गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ईआर डाटा विदेश क्लासेस में हम सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये ग्रामर की आपकी क्लास है, ठीक है, जिसमें हम बता रहे हैं उड के यूज के बारे में। हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, प्रीवियस क्लास में हमने इसका डिस्कशन किया था। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताएंगे किसका, उड का, आप यूज कहाँ पे करते हैं। पहली चीज, पहला इसमें रूल जो फिफ्थ नंबर है वो क्या है, जहाँ पर हम कोरी कल्पना को व्यक्त करते हैं कि मतलब हमारे अंदर कल्पना है कि हम क्या आकाश छू जाएं, तो ये क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट या पास्ट दोनों टेंस में किसका यूज किया जाएगा, ये उड का यूज करेंगे। तो वहाँ पर भी हम किसका यूज करते हैं, उड का यूज करते हैं। देखो क्या हमने लिख रखा है, आप देख लीजिए, उड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट की कोरी कल्पना को व्यक्त करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज में होता है। किसका प्रयोग, प्रिंसिपल क्लॉज जो मेन वाक्य है उसमें होता है। जैसे एक उदाहरण है, इफ आई वर बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता, ठीक, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ गया होता। मतलब क्या है, कल्पना है, अगर मैं चिड़िया होता, मैं चिड़िया हूँ नहीं, मेरे अंदर कल्पना है कि मैं चिड़िया होता तो आकाश में क्या हो जाता, उड़ गया होता। तो ये क्या है, यहाँ पर कोरी कल्पना की बात कर रहा है, ठीक, ये है। नेक्स्ट हमने एक नोट कर लीजिएगा, एक बात बताइए, अगर वाक्य काल्पनिक पद से संबंधित है तो सभी में सब्जेक्ट के साथ किसका वर्ग का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट में किसका प्रयोग करते हैं, वर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विश, मेरी इच्छा है, आई वर बर्ड, कि मैं चिड़िया हूँ। तो इसमें हमने क्या किया है, देखो हमने क्या किया है, इसमें हमने वर्ग का यूज किया है, वर्ग का, इसमें हम वाच का प्रयोग नहीं करेंगे, तो उसके लिए कुछ आपके शब्द हैं इंग्लिश के, उसके लिए हम किसका, वर्ग का यूज नहीं करते हैं, जहाँ पे कल्पना की बात की जाए। जैसे आई विश, मेरी इच्छा है, यहाँ पर कहीं पर आए गए तो सेंटेंस में किसका वाच का यूज नहीं करेंगे, वर्ग का यूज करेंगे। एज थ्रू आ गया तो वहाँ पर भी हम किसका, वर्ग का यूज करेंगे, वाच का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखें। इफ का यू आए तो उसमें भी वर्ग का यूज करेंगे, जहाँ पे कल्पना की बात, एज इफ आ जाए तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, वर्ग का यूज करेंगे, वाच का यूज नहीं। वुड आ गया, दैट आ गया और सपोज आ गया, ये जितने भी वाक्य हैं, अगर ये आपके आ गए, वुड, दैट आ गया, सपोर्ट आ गया, सपोज आ गए, तो वहाँ पर हम किसका, वाज का प्रयोग ना करके हम वर्ग का यूज करेंगे, क्योंकि सेंटेंस में क्या हो, केवल इमेजिनेशन हो, कल्पना हो, कोरी कल्पना, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, वाज का यूज ना करके वर्ग का यूज करते हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिसके आगे हम किसका, वर्ग का यूज करते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, ग्रामर की इंपॉर्टेंट लेक्चर थी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिस ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका जो है बेनिफिट ले सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी तरीके से अपना प्यार हमारे चैनल ईआर डाटा विदेश क्लासेस में बनाए रखिए। जन्माष्टमी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा बने रहे, बने रहिए, और जय हिंद जय भारत दोस्तों।